सुप्रभात बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये षष्ठा पाठा समुद्र तटा पढ़ाया था। इसका एक पैराग्राफ करवा दिया, समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब ये दूसरा पैराग्राफ है। अस्माकं देशे वहवा समुद्र तटा संति, यानी अस्माकं यानी हमारे, देशे यानी देश में, वहवा यानी बहुत से, समुद्र तटा यानी समुद्र के किनारे, संति यानी हैं। अस्माकं देशे वहवा समुद्र तटा संति, हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्ची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा संति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्ची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम ये अत्यधिक प्रसिद्ध किनारे हैं। गोवा तटा विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकं रोचते, गोवा तटा यानी गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी पर्यटकों के लिए जो सैलानी घूमने के लिए आते हैं, समधिकं रोचते यानी अधिक अच्छा लगता है, अधिक रुचिपूर्ण है। विशाखापट्टनम तटा वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा, जो विशाखापट्टनम का किनारा है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटा नारिकेल फलेव्य ज्ञायते, और कोची का जो किनारा है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, ज्ञायते यानी जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वयरम विहिरन्ति, मुंबई नगर का जो जुहू के किनारे पर सभी लोग स्वच्छंद विचरण करते हैं, विहिरन्ति यानी विचरण करते हैं, घूमते हैं वहाँ पर मुंबई नगर के जुहू के किनारे पर। चेन्नई नगर से मेरीना तटा देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा, और चेन्नई नगर का जो मेरीना का किनारा है वो देश के सागर तट में सबसे लंबा है। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के जितने भी समुद्र के किनारे हैं उनमें सबसे लंबा है। भारत से तिस्रसु दिशासु समुद्र तटा संति, यानी भारत की तीनों दिशाओं में, तिस्रसु तीनों दिशासु यानी दिशाओं में, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्मात एव कारणात भारत देशा प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, पूर्व दिशा में बंगाल सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों में भी जो संगम होता है वो कन्याकुमारी के किनारे पर होता है। इन तीनों सागरों का संगम यानी मिलन, ये तीनों सागर एक जगह मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं, ये कन्याकुमारी के किनारे पर। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदया सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूर्य अस्त युगपदेव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते यानी देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना एक साथ देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसका आपको, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना है कॉपी में। धन्यवाद।